हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या हालचाल है, कहां से आए हैं, क्या इंतजाम है, खाना पीना ठीक से मिल रहा है? ये वो सवाल है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से कर रहे हैं। जवाब मिल रहा है हमारे पीछे, आप देखिए ये जो स्क्रीन है, इस पर हर जगह से 20 जगह से क्वारंटीन सेंटर से लोग जमा हैं और उनसे एक एक करके बात कर रहे हैं, सब अपनी बातें रख रहे हैं। जाहिर है कि ये डिजिटल तरीके से निगरानी हो रही है और ये तय किया जा रहा है कि वाकई जो इंतजाम का दावा किया गया था वो है या नहीं। हमारे साथ हैं संजय अग्रवाल जी, IAS हैं और परिवहन सचिव भी हैं, साथ में आपदा में हैं। ये जो निगरानी हो रही है तो कई जगहों से जो शिकायतें आ रही थी, क्या उसको सलटा लिया गया है या फिर इस निगरानी में सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो मुख्यमंत्री को दिखाना है? देखिए, लगातार प्रवासी मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही है और इंतजाम भी लगातार बढ़ रहा है। हम लोगों ने ब्लॉक क्वारंटाइन फैसिलिटी को सरकार ने चुना एक इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हाई रिस्क एरिया से लोग आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार हम लोग एक कंटेन एरिया में रखें, कंटेनमेंट जोन में रखें और उनको आइसोलेट कर सकें। और क्वारंटाइन सेंटर पर आज अच्छी फैसिलिटीज हो रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम कुछ डिजिटल इंस्पेक्शन भी करेंगे जिसमें वो देख रहे हैं कि किचन की क्या पोजीशन है, टॉयलेट की क्या पोजीशन है, लोग जहां रुक रहे हैं उन कमरों की क्या पोजीशन है, साथ ही उनका क्या स्किल, हम लोग स्किल मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग हाईली स्किल्ड हैं। अब बिहार चाहता है उस स्किल का पोटेंशियल का पूरा यूज करना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बात करके जो फ्यूचर स्किल प्लान जिससे हम लोग बिहार में इंडस्ट्रीज को बिहार में हम स्किल के थ्रू अन्य सेक्टर्स में काम कर सके उसकी भी एक प्लानिंग हो रही है। कोई आसान डिसीजन नहीं था कि हम इतने लोगों को रखें, लेकिन बिहार ने यह डिसीजन सोसाइटी के हित में लिया ताकि कोविड का संक्रमण का खतरा कम से कम रहे। जाहिर है ये जो डिजिटल इंस्पेक्शन हो रहा है ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अब तक सिर्फ शिकायतें जो हैं वो लोगों के माध्यम से आती थी, आवेदन दिए जाते थे और फिर उस पर कार्रवाई होती थी, पर अब सीधे तौर पे मुख्यमंत्री क्वारंटीन इलाके में क्वारंटीन के सेंटर पर जा कर के निगरानी कर रहे हैं, कैमरे को घुमा घुमा कर देख रहे हैं। अपने आप में ये अद्भुत नज़ारा है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, ABP News, पटना।